बॉलीवुड में वॉर पर बेस्ड आपने कई फिल्में देखी होंगी, फिर वो चाहे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर हो या फिर भारत चीन के बीच, ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाती रही। अब अगर 2020 के फिल्मी पिटारे को टटोला जाए तो इस साल भी बड़े पर्दे पर सेना के कुछ जाबाजों की सच्ची कहानियां दिखाई जाने वाली है। तो आज इस पैकेज में हम आपको बताएंगे इस साल रिलीज होने वाली उन्हीं फिल्मों की लिस्ट। नंबर 1, सैम मानेकशॉ। राजी बनाकर 100 करोड़ की डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल हुई मेघना गुलजार ने कुछ महीने पहले भारतीय सेना के मशहूर अफसर सैम मानेकशॉ पर फिल्म बनाने का ऐलान किया था। कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बहादुरी दिखाई जाएगी। फिल्म नूरी के साथ देशभक्ति वाली फिल्मों का नया चेहरा बनकर उभरे विक्की कौशल इस फिल्म में सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। मेघना गुलजार की सैम पर बनने वाली फिल्म 2021 में शुरू होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। नंबर 2, गुंजन सक्सेना। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर भी एक बायोपिक में एक मुख्य किरदार निभाने वाली है। करण जौहर की ये फिल्म भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना की लाइफ से बेस्ड है। गुंजन 1999 में युद्ध के दौरान कारगिल में तैनात थी, तब गुंजन ने इस युद्ध में जो योगदान दिया उसे उन्हें कारगिल गर्ल भी कहा जाने लगा। ये फिल्म 30 मार्च 2020 को रिलीज होने वाली है। नंबर 3, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। फिल्म तानाजी दी अनसंग वॉरियर के बाद अजय देवगन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगे। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड है और अजय इसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर विजय कानिक का किरदार निभा रहे हैं। बता दें कि कानिक 1971 के युद्ध में भुज के एयरबेस के इंचार्ज थे और पाकिस्तान की बमबारी के बावजूद भी उन्होंने एयरबेस को ऑपरेशनल रखा था। नंबर 4, अरुण खत्रपाल। परमवीर चक्र विजेता और 1971 के युद्ध में शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनने वाली है। इस फिल्म में एक्टर वरुण धवन मेन लीड में नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन श्रीराम राघवन करेंगे और इस फिल्म का प्रोड्यूसर दिनेश विंजन है, जिन्होंने एक बार भी पहले वरुण धवन के साथ बदलापुर में काम किया था। अब आप दीजिए अपनी राय कि आप किस सुपर हीरो की फिल्म के लिए एक्साइटेड है, जवाब जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में।